क्या मांस कैसी बांट रहा है? 10 रुपया मालिक। चलिए बढ़िया। हाय फ्रेंड्स, तो गया था मैं आलू वालू प्याज व्याज लेने के लिए बाजार। यहाँ पे तरबूज मिला, यहाँ पे अक्सर भीड़ हुआ करती, बहुत सारे ठेले लगे होते थे अक्सर यहाँ पे। ये ऊपर बाजार यानी कि बड़ी स्टेशन रोड वाला रोड है, ये उस तरफ उस पार की तरफ भी चला जाता है ये रोड। और यहाँ पे मेडिसिन सेंटर भी है कोने पे, जिधर स्टेशन की तरफ हम चले जाते हैं स्टेशन रोड से होते हुए। यहाँ पे फल सब्जी सब मिल रहा है और रेट भी जो नॉमिनल रेट होता है उससे शायद 10-5 रुपये का फ़र्क हो, ज़्यादा नहीं है। टमाटर, बैंगन, परवल, भिंडी सब मिल रहा है, शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, मिर्च, धनिया पत्ता सब कुछ अवेलेबल है। करेला वरेला यहाँ उधर फल वल भी मिल रहा है आराम से, कोई ज़्यादा जद्दोजहद नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे खीरा वीरा भी मिल रहा है, तो गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो गया, खीरा वगैरह खाइए। और यहाँ पे ये फल सब्जी की दुकान है यहाँ आकाश दीप के पास, यहाँ ग्रंथालय भी है राइट हैंड साइड पे। ये मेन चौराहा बराट चौक जिसको कहते हैं। और यहाँ पे थोड़ा चहल पहल, क्योंकि यहाँ पे 2-3 दवाई की दुकानें हैं, इस कारण से यहाँ पे थोड़ा सा चहल पहल, लोग आ जा रहे हैं। क्योंकि ये दोपहर अभी 12 बजे से कर्फ्यू लगता है यहाँ पे, 12 बजे तक आप जो भी ख़रीदना है ख़रीद सकते हैं नॉर्मल। तो ये सीन है अभी भैया हमारे जमालपुर शहर का। तो 12 बजे तक लोग बाहर निकलते हैं। और ये है दुर्गा स्थान, माँ दुर्गा, बड़ी दुर्गा का मंदिर, जो मैं रोज़ सवेरे जाया करता था, लेकिन अभी ये मंदिर भी बंद है, तो यहाँ से ही प्रणाम करके दर्शन कर लेते हैं। माँ दुर्गा को सॉरी बोल देते हैं, क्या बोले यार, कुछ कर ले दुर्गा। ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे रोड पे जो है ये निशान सा बना हुआ है मेडिकल स्टोर के पास। ये सब जगह सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लिपि सिंह ने हमारे पूरा घेरा बना दिया है सब जगह की। हाँ, 1-1 मीटर की दूरी पे जितने भी लोग हैं वो खड़े होंगे। और ये यहाँ पे भी फल सब्जी मिला, ये रवि आर्ट्स के पास का है। आगे में बढ़ा तो यहाँ पे भी मुझे चिन्ह दिखाई दिया सोशल डिस्टेंसिंग वाला, जो काफ़ी अच्छी बात है। हमें एक हाथ की दूरी या 1 मीटर का दूरी बनाए रखना चाहिए। तो इसमें जो बिहार के लोग हैं वो जो बाहर काम करने के लिए गए थे, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज पे काम करते थे, उनके लिए अब कोई काम नहीं है क्योंकि सब जगह लॉकडाउन हो गया। तो वहाँ से आप लोगों ने देखा हो कि दिल्ली बस अड्डा पे कितना भीड़ है, इतना ज़्यादा मतलब गैदरिंग होने से लोग इन्फेक्शन, ये जो कोरोना वायरस है इसका फैलने का जो डर है वो और बढ़ जाता है। तो वहाँ से जो लोग अपने गांव आएंगे ना, और उनमें से अगर एक भी बंदा लेके आ गया ना वो चीज़ को, तो फिर यहाँ पे भी फैल जाएगा। तो गवर्नमेंट को इस लॉकडाउन का जो कह लेते हैं कि जो अच्छा परिणाम होने वाला है, इसका एक बुरा मतलब नेगेटिव साइड ये है कि जो भी दिहाड़ी मजदूर हैं उनका इंतज़ाम वहीं पे किया जाए, ना कि उनको बसों में ठूस ठूस के बिहार या फिर अपने घर भेजा जाए। उनका कहीं पे शेल्टर होम, जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है शेल्टर होम, स्कूलों को होम्स में कन्वर्ट कर रही है, वहाँ पे स्टे करा रही है लोगों को, इस तरह के इनिशिएटिव्स। क्योंकि बिहार के यूपी के लोग बहुत ज़्यादा बाहर माइग्रेट करके जाते हैं, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, और जो कि दिहाड़ी मजदूर हैं खास करके, उनके पास वो रोज़ कमाते हैं, रोज़ कमाते हैं, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इनसे। तो इसी कारण से अगर मतलब जितने भी केसेस हैं अभी, मतलब कि मान लेते हैं अभी 100 लोग इन्फेक्टेड हैं, उनको एक जगह बंद करके आइसोलेट किया गया है, और जितने केसेस नहीं हैं, मतलब जिनने केसेस को नहीं पता है कि उनको है कि नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर माइग्रेट करने लगेंगे तो ये चीज़ फैल जाएगी ज़्यादा, और बाद में जाके पता चलेगा कि यहाँ पे भी आ गया है लेकिन यहाँ पे जांच नहीं हुआ, टेस्ट नहीं हुआ, तो इस कारण से इधर अंदर ही अंदर ये रोग जो है मतलब बढ़ते चला गया। तो इस कारण से आपके अगर गाँव घर में कोई बाहर से आ रहा है तो हेल्पलाइन नंबर आप लोगों को रेगुलेट हुआ ही होगा बिहार सरकार का, और तो जांच वालों को फ़ोन करके बता दें। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो नंबर्स दे दूंगा, लेकिन नंबर्स देने से कुछ होता नहीं है यार। मैंने
कितने नंबर्स हैं, लेकिन कभी नंबर्स लगता नहीं, मेडिकल ऑफिसर्स नहीं आते हैं। तो आप लोग, ये सरकार को तय कर लेना चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक टेस्टिंग सेंटर बना दे, और उसके हिसाब से वो जो भी लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं तो वहाँ पर टेस्टिंग सेंटर पर पहले उनको बिठा के टेस्ट करवाओ, तब जाके कि इनको नहीं है तो फिर उनको अपने गांव में या अपने जहाँ पर भी वो रहते हैं उनको वहाँ पे रखना ही मुनासिब होगा अभी के समय में। तो होपफुली आपको ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।